राम राम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा XUV 700 का, इसके जो ओनर हैं वो हमारे साथ हैं और क्या कहते हैं वो बताएंगे अपनी गाड़ी के बारे में कि उन्होंने ये गाड़ी क्यों ली या फिर क्या क्या एस्पेक्ट हैं जो उन्हें अच्छे लगे इस गाड़ी को लेते वक्त, तो सारी चीज़ जानेंगे। और आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आपको एक अच्छी गाड़ी परचेज़ करनी है, क्योंकि अगर आप एक ओनरशिप रिव्यू देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको ये व्हीकल परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ओनर ने उस गाड़ी को करीब करीब 6 महीने या 10 महीने जितना भी टाइम उसने चलाया है तो उसने ऑब्जर्व करता है वो पैसे लगाने के बाद, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रहने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी मोटर पंडित के नाम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बुलाते हैं अपने ओनर को। वेलकम सर। वेलकम, थैंक यू सर। सर पहले आप एक बार है ना अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हाँ, तो मेरा नाम सुमित मेहता है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं भी एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, तो वो सब है खैर। हाँ, और सर कॉन्टेंट कहाँ बनाते हैं हम? कॉन्टेंट मैं इंस्टाग्राम पर भी बनाता हूँ और मैं यूट्यूब पर भी बनाता हूँ, फाइनेंस विद सुमित करके, फाइनेंस विद सुमित से नाम से मेरी प्रोफाइल है। ओके सर। तो सर अब दूसरा आप अपनी गाड़ी का इंट्रोडक्शन दें। हाँ, तो ये है XUV 700, आप जानते हो AX5 वेरिएंट है और पेट्रोल है। पेट्रोल में मुझे लगता है काफ़ी वो रह जाता है कि भाई पेट्रोल, हाँ मतलब बड़ी गाड़ी आदमी ले रहा है तो पेट्रोल, डीजल डीजल में लेते हैं। और इसमें सनरूफ है, इसके अलॉयज हैं और वाइट कलर में है, 5 सीटर है ये, 7 सीटर नहीं है। तो ये है, आपने कब परचेज करी, क्या इसका प्राइस रेंज था और अभी तक आप इसे कितने किलोमीटर चला चुके हैं एक बार वो भी बताएं। हाँ, तो मैंने इसे परचेज किया था मार्च में, ठीक है, और ये करीब 21 लाख के आसपास थी। इस पर मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया था क्योंकि ये है पिछले साल का वेरिएंट। ओके, ठीक है, मतलब ये 2023 का वेरिएंट है। हाँ, 2023 का है और इस पर करीब 1.5 लाख रुपये का डिस्काउंट मिल गया था इस वजह से, ठीक है। उसके अलावा मैंने कुछ, मेरे पास एक डेबिट कार्ड है उस पर 5% कैशबैक मिल जाता है, तो वो उससे मैंने पेमेंट करी थी, लेकिन वो है कि 0.5% 0.34% या 0.45% कुछ जो है वो आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं, बट कोई बात नहीं, वो 5% का कैशबैक मिल रहा है तो 0.4% जो आपको मिल जाता है कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 लाख रुपये की पेमेंट उससे हो जाती है, ठीक है, तो वो मैंने कर दी थी, तो करीब 21 लाख के आसपास की पड़ी थी। और ये मतलब ऐसा नहीं था कि सीधा जाके XUV 700 ले ली, पूरा जो प्रोसेस रहा था चूज़ करने का वो काफ़ी मतलब उबड़ खाबड़ रहा कि पहले हमने जो है सेल्टॉस बुक कर दी थी। ओके, फिर नहीं तो एक्चुअली बहुत उससे भी पहले हमने एलिवेट का जब लॉन्च हुआ था पिछले साल जुलाई में, जुलाई में अनाउंस हुआ था, अगस्त में सितंबर में उसकी बुकिंग शुरू हुई थी, तो हमने 3 अलग अलग कलर में एलिवेट बुक कर रखी थी, ठीक है। तो एलिवेट लेनी थी, ये तो हो गया था कि भैया एलिवेट होंडा का इंजन अच्छा होता है, सिटी का इंजन लग रहा था उसमें, सोचा ये ले लेंगे, बट जब वो चला के देखी तो इतना मज़ा नहीं आया, ठीक है, फिर सोचा कि सेल्टॉस ले लेंगे, तो सेल्टॉस भी बुक कर दी थी, सेल्टॉस बुक कर दी थी ब्लैक कलर में, यहीं पे सेक्टर 63-65 में, यहाँ पे कहीं शोरूम में, फिर वो भी बुक कर दी थी, पेमेंट भी कर दी थी 2-4 लाख रुपये। फिर उसके बाद वो तो रिफंड ले लिया क्योंकि उसका सेफ्टी का इशू रहता है, अब सोचा भाई सेफ्टी भी चाहिए और फीचर्स भी थोड़े ठीक ठाक चाहिए। अब क्रेटा आने वाली थी, फिर क्रेटा आ जाएगी, क्रेटा आ जाएगी, फिर जब क्रेटा आई तो उसको देख के भी डिसअपॉइंट हो गए कि भाई ये तो मतलब वो मज़ा वाली बात नहीं रही कि छोटी कर दी उन्होंने गाड़ी, और तो उसको देख के मज़ा नहीं आया, फिर सोचा कि यही लेते हैं। फिर ऐसे ही गए थे मतलब 700 के शोरूम में चले, मतलब महिंद्रा के शोरूम में गए, तो वहाँ पे वो डिस्काउंट के बारे में पता लगा कि भैया अच्छा पिछले साल की गाड़ियों में डिस्काउंट मिल रहा है अच्छा खासा, तो फिर ये फाइनल करी, ये फाइनल कर दिया आपने। और ये अभी तक आप कितने किलोमीटर चला चुके हैं? तो 8600 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। ठीक है, तो जब आपने 8600 किलोमीटर से चलाया है तो उस टाइम पर आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी फील हुई? यार मैं सोचता था कि बड़ी गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, है ना, मतलब आपको लगता है कि यार बड़ी गाड़ी है तो मुश्किल आती होगी चलाने में, बट मेरे पास दूसरी गाड़ी इससे पहले बलिनो है, तो मतलब मुझे तो इतनी मतलब बलिनो से भी सॉफ्ट लगती है मुझे कि भाई इतनी मक्खन चलती है, कमांडिंग लगती है थोड़ी मेरे को। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है, कमांडिंग मतलब कमांडिंग इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि सारी चीज अपने कंट्रोल में, और थोड़ा सा ना लेवल अप है तो थोड़ी कंट्रोलिंग अच्छी हो चुकी है ही। उसके अलावा बहुत स्मूथ है, मतलब आपको लगता है यार आपको तो कुछ करना नहीं पड़ता, एक तो ये ऑटोमेटिक है आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, इतनी स्मूथ चलती है, बिल्कुल एकदम मक्खन की कुछ नहीं कर रहे हो आप, बस हल्का सा पेडल दबा रहे हो और गाड़ी जो है सही चल रही है मक्खन की तरह, और ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत स्मूथ चलती है, मतलब मुझे लगा नहीं था। अब मैं जैसे पहले देखता था ना किसी बड़ी गाड़ी, मुझे लगता है कि ये अलग कोर्स करना पड़ता होगा यार बड़ी गाड़ी चलाने के लिए, बट लेकिन बहुत ही मतलब आसान है, मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ी गाड़ी सीधा ले रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से चला सकते हो।
अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इसे 8600 किलोमीटर चला चुके हैं, इसके अलावा जिस टाइम पर आपने ये गाड़ी परचेज करी थी उस टाइम पर आपके साथ शोरूम के साथ आपका रिलेशन कैसा था? शोरूम के साथ रिलेशनशिप यार मतलब ऐसा था कि एक्चुअली क्या है कि ये ऑलरेडी रखी थी शोरूम में, ठीक है, कुछ आखिरी 2-3 पड़ी थी पिछले साल की, तो ये तो ऑलरेडी था, तो उस हिसाब से ना कुछ खास वेट नहीं कराया मुझे, ठीक है। लेकिन दूसरी बात करें कि जैसे मैं शोरूम में गया तो मेरे बड़े भाई ने उनको कहा था कि पीछे ना कुछ लिखना मत, ठीक है, वो लिख देते ना अपना शोरूम का, हाँ शोरूम का नेम वगैरह लिख देते, तो ठीक हो गई थी बात। बट जब हम गए तो साल लिखा हुआ था कि ये ऐसे, फिर उनको बोला और क्या हुआ, शुरू में हमने भी वो कराते ना इंस्पेक्शन कराते हैं, हाँ डिलीवरी इंस्पेक्शन पीडीआई, तो वो करवाया था हमने, सही हो गया वो सब तो देख लिया उसने, बट उसके बावजूद कुछ स्क्रैचेस थे, ठीक है, जैसे कि अगर अभी शीशे पे देख रहे हो ना वो ब्लैक कलर के शीशे पे, उस पर स्क्रैचेस थे। अरे ये स्क्रैचेस आपके स्टॉक में ही है, मतलब जब मतलब आपने परचेस करी तभी से ये जब शोरूम में उन्होंने खड़ी करके दिखाई, मतलब हमने देखा कि हम डिलीवरी जिस दिन लेने गए तो स्क्रैचेस थे, तो फिर हमने कहा ये तो स्क्रैचेस हैं, फिर पीछे भी स्क्रैचेस थे कहीं और पीछे वो शीशे पे भी लिखा हुआ था, तो फिर हम उस दिन बड़े खुश होकर डिलीवरी लेने गए थे, फिर भाई मूड ही ख़राब हो गया, तो हम कहा भाई ये नहीं चाहिए तुम इसको जो भी है बदलो, तो उन्होंने शायद ये शीशे बदले और पीछे जो स्क्रैचेस थे उसका भी कुछ ना कुछ किया, वो कुछ ना कुछ बदल दिया, आई थिंक पीछे का शीशा तो नहीं बदला उन्होंने कुछ, मे बी वो टेपिंग हटा दी होगी, टेपिंग तो हमारे सामने ही हटा दी थी, पर वो टेपिंग हटाने की वजह से तो कुछ स्क्रैच आ गए ना, स्क्रैचेस रह जाते हैं, तो उसका आई थिंक उन्होंने कुछ पॉलिश किया, बट ये शीशे तो उन्होंने रिप्लेस किए, ये वाले जो बैक कवर्स है ना ये रिप्लेस किए, ठीक है। तो सर जिस टाइम पर आपने गाड़ी ली थी उस टाइम पर क्या कहते हैं, आप बता रहे हो कि इसमें कुछ स्क्रैचेस वगैरह थे, हाँ। तो आपने कहीं अलग से पीडीआई करवाई थी अपने? करवाई थी, अलग से पीडीआई भी करवाई थी, बाकी जगह स्क्रैचेस नहीं थे, आई थिंक उन्होंने वो सब चीजें पता नहीं क्यों मिस कर दी। तो आपको क्या लगा कि मतलब जो आपने बाहर से पीडीआई करवाई वो वर्थ इट है? नहीं है, नहीं वर्थ इट तो है, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ नहीं, मतलब ऐसी काफी सारी चीज हम तो सिर्फ स्क्रैच देख सकते हैं ना यार, वो पेंट का जो वो अपना मीटर लेकर पेंट मीटर लेके आते हैं, मीटर लेकर आते हैं और बाकी चीज आती है वो तो हम नहीं बता सकते, इंजन डायग्नोस करते हैं वो, हाँ वो इंजन देखते हैं, तो वो हम तो नहीं जान सकते, मतलब इतना नॉलेज तो नहीं है कि इंजन देख के बता दें कि भैया कैसा है, तो वो सब चीजें तो आई थिंक उन्होंने देखी ही होंगी, तो वो बेहतर रहा होगा, बट ये एक दो चीजें मिस अगर हो गई उनसे तो फिर मतलब मुझे लगता है करानी तो चाहिए, ठीक है, वो कहाँ से करानी चाहिए आई थिंक ये इसके बारे में मुझे और रिसर्च करनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि जो आपने बाहर से पीडीआई करवाई तो आपको थोड़ी रिसर्च करके करवानी चाहिए थी? हाँ मुझे लगता है थोड़ी और रिसर्च करके करानी चाहिए। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने ये पेट्रोल में ही क्यों ली, क्योंकि डीजल महिंद्रा का एक रिलायबल इंजन है, हाँ। और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी उसकी है, तो मैं सही बताऊँ तो आपको मैं हम काफी उसमें थे कि भाई द्वंद में थे कि भैया डीजल लें या पेट्रोल लें, क्योंकि डीजल तो भाई जैसे आपने बोला कि काफी रिलायबल है, एवरेज भी बहुत अच्छी है, हाँ। ये सब चीज़ें हैं और हर कोई बंदा आप किसी दूसरे बंदे से मिलोगे ना तो वो गाड़ी जो है बड़ी वाली डीजल में ही लेते डीजल में लेता है, और तो हमें चाहिए थी पेट्रोल, क्योंकि क्यों पेट्रोल लेते थे क्योंकि एक तो 10-15 साल का जो है कि दिल्ली एनसीआर में, हाँ दिल्ली एनसीआर का एक मेन रीज़न तो ये रहता है अपने ओनर का कि एक 10 साल से ऊपर जो है आप पेट्रोल डीजल नहीं चला सकते, और अभी अगर आपने देखा हो तो पिछले साल या फिर सर्दियों में डीजल अलाउड ही नहीं था, BS4 अलाउड नहीं था, BS4 अलाउड नहीं था दिल्ली के अंदर, हाँ नहीं था दिल्ली के अंदर अलाउड नहीं था। अब BS4 जो कि 2-2.5 साल पहले 3 साल पहले 4 साल पहले बिकी है गाड़ी, अगर वो डिसअलाउड है तो यार मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं BS6 भी मे बी 2-3 साल में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है, बिल्कुल, और जो दिल्ली में आया वो हरियाणा में भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन की सर्दियों में अगर आप गाड़ी नहीं निकाल सकते तो पॉइंट क्या है, हरियाणा में मेन हरियाणा में ना भी जाए तो मगर अपने ये गुड़गांव में तो रहेगा ही, हाँ गुड़गांव में हो सकता है, तो वो तो था कि डीजल का ना थोड़ा तो इशू है, अब वो कितना डिफरेंस है हमें पता है कि एवरेज का दिक्कत है, बट वो कितना डिफरेंस है, तो ये 2-3 इशू जो मैंने आपको बताया उस वजह से हमने सोचा कि पेट्रोल ही लेते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल मतलब कि रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, एक तो एवरेज भी सही मतलब ठीक है, मतलब वो 15 साल वाला गैप चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया कि भैया पेट्रोल ही दे दो, और मैंने बहुत लोगों से चलते फिरते लोगों से पूछा कि भैया अगर आपकी पेट्रोल है तो बताओ कितनी एवरेज, अच्छा मतलब जो रोड पे गाड़ी लेके जा रहा हूं, आपने मेरे से मैसेज किया था कि बता दो, तो आपने मुझे बताया था कुछ, तो मैं और लोगों से भी बहुत पूछा कि भाई, बट मेरे को मिलते ही नहीं थे पेट्रोल वाले, तो बट फिर ये हुआ कि हमें एक आधा कोई बंदा जैसे कहीं किसी के चाचा का मामा का लड़का है कोई जो बता रहा है कि भैया मैंने पेट्रोल, हाँ मेरे भी एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि हाँ उसकी 6-7 की एवरेज दे रही है, हाँ, तो उस तरीके से ही बात हुई थी,
तो किसी ने बोला था, कोई बोलता था कि अरे 12 की एवरेज दे देती है, कोई बोलता था कि भैया उसने मेरे को ये बोला था कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ये 12 की दे रही है, बट जब कह रहा कि मैंने डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू करा और शहर के अंदर घूमना शुरू करा तो 6-7 पे वो आ गई थी। अच्छा, तो हाँ मतलब मुझे भी ऐसी इस दो तरीके के डिफरेंट एक्सट्रीम व्यूज मिले। कोई कह रहा है कि अरे 12-14 की एवरेज आ जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। कोई कह रहा है कि भैया 6-7 की एवरेज आ रही है, कोई कह रहा है 4-5 की आ रही है। एक बार तो एक बंदा मुझे डीजल वाला मिला, वो ऐसे बेइज्जती मार के चला गया। मैंने कहा यार इसकी पेट्रोल का आपको पता है कितनी वेरिएंट, मैंने पूछा तो सही, तो उसने बोला कि आ जाती होगी 4-5 साले, मतलब ये क्या एटीट्यूड दिखा रहा है। तो खैर ठीक है, जो भी है, बट अब अगर मैं देखूँ तो क्योंकि खुद चला रहा हूँ तो शहर में भी आपको 9 की एवरेज तो दे ही देती है। दे रही है? हाँ दे देती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कह रहा है कि 6-7 की दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, 9 की एवरेज तो मिनिमम है। अगर मैं आपको इसमें भी रनिंग एवरेज भी दिखा दूंगा तो रनिंग एवरेज 9.5 की अभी इस टाइम पे दिखा रही है। आई थिंक वो पिछले कुछ 30-40 किलोमीटर का एवरेज देख के दिखाता है, तो मोस्टली 9 से ऊपर ही होता है। और कभी जैसे अब अगर आप बाहर चले गए, जैसे मैं कभी अम्बाला चला गया, हरिद्वार चला गया, अम्बाला मेरे भैया जाते हैं तो 11.5-12 टच, मतलब ऑन हाईवे आप कह रहे हो 11.5-12 दे रही है? हाँ दे रही है। ठीक है, ये काफ़ी गुड भी है यार, मतलब अगर देखा जाए तो रिव्यूज़ के हिसाब से, तो रिव्यूज़ के, हाँ क्योंकि मैंने जिस तरीके के रिव्यूज़ सुने थे ना, तो वही दो एक्सट्रीम में थे। एक तो था कि भैया 12-14 की बढ़िया दे रही है, और एक था कि भैया 4-5 की दे देती है कभी कभी, बट वैसा नहीं, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। ठीक है, एक तो आपको फिर वो 15 साल का बेनिफिट मिल जाता है कि भैया 10 से। रीज़न ना लेने का मेन रीज़न ये भी है कि आपको 15 साल का बेनिफिट मिल जाता है पेट्रोल के। और वो दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया रिस्ट्रिक्शन, अगर BS4 जो 4 साल पहले अगर आपने गाड़ी ली है, 3 साल पहले ली है, क्योंकि मेरे जान पहचान वालों ने ली है जिसने स्कॉर्पियो ले रखी है डीजल की, अब वो हम उनके साथ कभी घूम रहे थे वो जाम में फट, आगे पुलिस की बैरिकेड लगा फट जाती है कि हाँ बिल्कुल कि भाई ये तो सर्दियाँ है नहीं, गुड़गांव में भी था ना कुछ ना कुछ बीएस गुड़गांव में। हाँ वो ओड इवन जब चलता है ना थोड़ा गुड़गांव में भी रहता है उसकी। नहीं नहीं, वो यहाँ पे था डीजल का रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे BS4 का था, क्योंकि मुझे याद है मैं मेरे जो जिम ट्रेनर है उनकी स्कॉर्पियो में घूम रहे थे हम ऐसे ही, तो सामने वो देखा उन्होंने घुमा ली कि भाई मेरी BS4 है। मैं सोचा यार आपने 3 साल पहले तो गाड़ी ली है, तो फिर पॉइंट क्या है, मतलब आप सोच रहे हो कि, और आपको पता नहीं कल को और रिस्ट्रिक्शंस आ जाए। और गडकरी साहब ने भी बोल दिया था बीच में कि हाँ, डीजल तो मैं चलने नहीं दूंगा, बिल्कुल निकाल ही देंगे यहाँ से इंडिया से, तो फिर आपको लगता है कि पॉइंट ही क्या है। तो सर एक ये क्वेश्चन रहेगा कि वाइट कलर ही क्यों, जैसे कि यार वाइट कलर का तो ऐसा था कि दो कलर है इसमें पॉपुलर, एक आप सॉरी एक ही कलर इसमें पॉपुलर है जो ब्लू कलर का, आई थिंक उसको ये ब्लैक ही बोलते हैं शायद, तो मन तो उसका ही था, बट जब वहाँ पे गए तो उनके पास दोनों वेरिएंट्स थे, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि वो पता नहीं क्यों नहीं लिया, ये भी अच्छा लगा था, वो भी अच्छा लगा था, वो ज़्यादा अच्छा लगा था, बट वो बहुत पॉपुलर मतलब कॉमन है। ठीक है, तो सोचा कि यही ले लेते हैं। ठीक है सर, अब आते हैं इसके वेरिएंट्स पर, AX3, AX5, AX7, AX7 लग्जरी और AX5 में भी लग्जरी ऐड होता है इनका। ठीक है, नहीं AX5 में लग्जरी नहीं है, AX5 में नहीं है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने AX5 भी परचेज क्यों करा? एक तो यार मेरा बजट कॉन्स्टेंट तो था ही, तो मैं AX3 लेने गया था। ठीक है, जब मैंने AX3 देखा तो मैंने बुक कर दी थी, तो हमारे यहाँ बुकिंग बहुत हुई है, बुकिंग हम फटाक से कर देते थे, हर जगह जाके बुकिंग कर देते थे, तो AX3 बुक कर दिया था। बट फिर हमने देखा कि यार AX3 में ना ही एलॉयज आते हैं और वो है, मतलब वो तो चलो पता ही था कि नहीं आते, बट हमें पता लगा कि AX5 जो कि 1.5-2 लाख रुपये ही महंगा है, और उसके अंदर आपको मिल जाते हैं एक तो एलॉयज और ऊपर मिल जाती है सनरूफ उससे एडिशन AX3 से, तो हमने सोचा कि AX5 ही कर देते हैं। तो आई थिंक वो सबके बजट के ऊपर है, अगर आपको लगता है AX7 लग्जरी लेनी चाहिए आपको बस, नहीं अगर जिसके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने एकदम अपग्रेड कर लिया वहाँ पर जाने के बाद, तो उसके लिए कुछ हो सकता है ना इसमें कि हाँ वो AX3 ना लेके AX5 ले ले? नहीं हाँ मतलब अगर वही है कि अगर आप देखो बाहर से भी अलॉयज लगवाओगे तो कितने 50-60 हज़ार रुपये, 60-70 हज़ार तो अगर आपको 1.5 लाख रुपये में इतना वो कुछ मिल रहा है, इतनी ये आपको ये भी मिल जाएगा सनरूफ मिल जाएगी, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट अगर बजट कॉन्स्टेंट नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो सर सनरूफ इस वेरिएंट को लेने का कोई मेन कारण हो सकता है? यार सनरूफ मतलब एक तो वो याद ऐसे तो कुछ नहीं है कि सनरूफ का हम कोई बहुत खास यूज़ करते हैं, कुछ यूज़ भी नहीं आता, बट जब ले रहे थे तब भी लगा था कि यार अच्छा है मज़ा आएगा, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं ना यार अभी बलिनो है गाड़ी, तो वो सोचा कि मज़ा आएगा, तो ठीक है अभी मतलब वो थोड़ा शौक सा था कि भैया होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि कुछ खास यूज़ है इसका कि भैया धूप इसी से लेते हैं हम, विटामिन डी इसी से ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स ओके, मतलब अपनी सेटिस्फैक्शन है कि अच्छा सनरूफ है भाई हमारी गाड़ी में, खुशी हाँ इंडिया में ये चीज़ है। हाँ तो वो बस आई थिंक शायद आगे कभी गाड़ी लेंगे तो नहीं लेंगे सनरूफ, बट एक तो होता है ना एक अंदर का वो
होता है कीड़ा की भैया, क्योंकि नहीं कईयों के साथ मैंने जैसे रिव्यूज करे हैं ना किसी और कार के भी, तो उसके अंदर मैंने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस बंदे ने ना सनरूफ के चक्कर में गाड़ी परचेज कर ली थी। हाँ नहीं वो यार वो होता है ना, आपने वो एक प्रीमियम चीज बना दी है और फिर आपको होता है कि यार द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, आपको है कि यार ये होता क्या होगा, नहीं होता हो, नहीं अगर जैसे अभी बता रहा हूँ कि नहीं होता तो भी कोई खास डिफरेंस ना होता, बिल्कुल, बट इट्स गुड, मतलब अगर रात को आप जा रहे हो और ऊपर देखने को मिल जाए तारे वैसे वो तो वैसे भी मिल जाएंगे, बट इट्स गुड, मतलब इट्स जस्ट आपको लेना है ले लो, बट इसके अंदर कहते हैं कि कुछ नुकसान भी हो जाते हैं कि भाई पता नहीं, मतलब किसी तरीके की मैंने वीडियोज़ देखी थी उसमें अलग अलग व्यूज़ हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि सनरूफ अच्छा नहीं होता, अभी तक ऐसा कुछ वैसे एक्सपीरियंस नहीं रहा कि पानी टपक जाए। सनरूफ में भी इसलिए अच्छा नहीं होता कि क्या होता है टाइम के साथ है ना, एक्चुअल में क्या होता है जो इसकी सीलेंट होती है ना वो रबड़ की होती है, अच्छा उसमें थोड़ा सा मैं कहूँ तो वो मेल्ट हो जाती है या क्रैक आ जाते हैं हल्के फुल्के, अच्छा। जो धूप से या बारिश से आ जाते हैं, ठीक है, आपको पता है कि थोड़ा बहुत भी अगर गैप रहता तो वहाँ पर पानी जाएगा जरूर जरूर, हाँ। तो वहाँ पर रस्टिंग भी हो जाती है, ये इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट हर कार के अंदर ये दिक्कत आती है। दूसरा कई बार ये देखा गया कि बंदे ना इसके सनरूफ के ऊपर बैठ भी जाते हैं तो अच्छा। उससे क्या होता है इसकी साइड्स दब जाती हैं, अच्छा। उतना वेट वो ले नहीं तो पाते, बैठे तो नहीं है अभी तक हम, ठीक है, मतलब समझ गया मैं आपकी बात, आई थिंक मतलब वो फॉर वंस आपको वो कीड़ा होता ना यार कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो वो बस वही वाला कीड़ा है, ठीक है, उसके अलावा ऐसा कोई नहीं है कि बहुत कुछ यूज़ आ रहा है, आप मुंह निकाल के बाहर देख रहे हो तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब गाड़ी चलाने में आपकी एक्सपीरियंस को कोई बेहतर नहीं कर देता, कोई कम नहीं कर देता, डिसेंट जो मेरी जो आप कह रहे हो वो कल को होगा, हाँ। देखते हैं जब होगा तो, ठीक है। तो सर आपने ना जैसे बलिनो का नाम लिया है यहाँ पर, तो मैं इसके ना बिल्ड क्वालिटी के बारे में पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कि सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखी इस गाड़ी को ली, तो बिल्ड क्वालिटी था आपका मेन पर्पज लेने, बिल्ड क्वालिटी बहुत मेन पर्पज था यार, मैं बताऊँ आपको, मैंने सेल्टॉस भी, जैसे ये भी 5 सीटर ली है, ठीक है, अब सेल्टॉस भी 5 सीटर थी, बिल्कुल, सेल्टॉस क्यों कैंसिल करा दी, वो तो पैसे दे के 4-5 लाख रुपए दे दिए थे फिर मैं वापस ले ली, क्यों, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी, उसकी 3-स्टार रेटिंग पता नहीं 2-3 साल पहले की है, तो फिर वही था कि यार बिल्ड क्वालिटी, ऑल्दो हमने ना मैंने बहुत रिसर्च करी थी जब भी उन्होंने क्रेटा निकाली है, क्योंकि वरना जो थी 5 स्टार आ गई थी, मैंने वरना की भी टेस्ट ड्राइव करी थी, वरना 5 स्टार आ गई थी, तो सोचा था कि भाई हुंडई अब बढ़िया काम कर रही है 5 स्टार ही निकालेगी, बट उसकी शायद बिल्ड उन्होंने कुछ बोला तो नहीं कि, क्योंकि रेटिंग तो अभी गाड़ी आई है, रेटिंग तो आई नहीं, उनका ये था कि उन्होंने जो मेटल अब डाला है उसके अंदर आयरन ज़्यादा डाला या स्टील ज़्यादा डाला, मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन ऑफ देयर मटीरियल, तो ये था, बट गाड़ी का साइज़ उन्होंने थोड़ा छोटा कर दिया तो दिखने में मस्त नहीं लग रही थी, तो क्रेटा दिखने में सुंदर नहीं लग रही थी, सेल्टॉस दिखने में सुंदर, फीचर्स बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन बिल्ड क्वालिटी का प्रॉब्लम था, इसका ठीक था, इसके फीचर्स भी, इसकी स्क्रीन भी बड़ी है तो दिखने में अच्छा लग रहा था, बिल्ड क्वालिटी तो है ही 5 स्टार महिंद्रा का, तो उस हिसाब से बढ़िया लग रही थी, ऐसी बात है कि स्कॉर्पियो भी सोच रहे थे, स्कॉर्पियो एन या स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन, बट स्कॉर्पियो एन का प्रॉब्लम वो सुनने में आया कि उसका जो हाइट टू विड्थ रेशियो है वो थोड़ा गड़बड़ है, मतलब पलट जाती है अगर आप तेज, बॉडी रोल ओवर, हाँ बॉडी रोल ओवर थोड़ा ज्यादा है, हाँ तो फिर वो जो है मैंने सुना कि पलट जाती है, यार नहीं ऐसा भी नहीं होता कि पलट ही जाती है, बट क्या कहते हैं बॉडी रोल ओवर, देखा होगा आपने, आप कभी मे बी वैगन आर के अंदर भी बैठे हो, जो भी नई वाली वैगन आर जो भी आज की करंट टाइम में चल रही है, तो उसके अंदर भी बॉडी रोल आपको देखने को मिलेगा, जब आप हाईवे पे जाओगे और शार्प टर्न होंगे ना उन पे आपको फील होगा, अच्छा हाँ तो वो वैगन आर जैसी दिखती है स्कॉर्पियो, बड़ी वैगन आर, हाँ तो दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगती थी यार, ये जब आई थी तो मतलब आपको अगर याद हो तो जब ये लॉन्च हुई थी ना 2021-20 में, तो यार इसका क्या मतलब वो था कि भाई महिंद्रा बन गया था एक महिंद्रा, और तो उसी टाइम ये नया लोगो आया था ये एम वाला, हाँ। तो उस टाइम पे भाई वाइब तो था कि क्या गाड़ी निकाली है, क्या मस्त डिजाइन है, तो वो था तो स्कॉर्पियो से सुंदर दिखती है, बट मैंने ना एक चीज नोटिस और करी है कि जब से स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई है ना इसके बाद में, तो इसका थोड़ा सा ओरा डाउन भी हुआ है, मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ ऑडियंस दैट बायज महिंद्रा और स्पेशली स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो नाम को खरीद रही है पब्लिक, तो हाँ वो नाम को खरीद रही है, जैसे अभी आनंद महिंद्रा साहब ने भी मतलब जो है वो उन्होंने कहा था कि मेरा जो करियर है स्कॉर्पियो ने बनाया, हाँ बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा, तो क्या कहते हैं सही तो मतलब का ही होगा, बड़े आदमी है, खैर तो मतलब हाँ तो मैं ये कह रहा था कि स्कॉर्पियो का यार अपना है एंड द काइंड ऑफ ऑडियंस दैट बाय स्कॉर्पियो इज फैन ऑफ स्कॉर्पियो, तो वो आई थिंक चलेगा ही, ठीक है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी तक आपने इसको 8000 किलोमीटर चलाया, तो उसमें कोई आपने लंबे ट्रिप भी करे हैं,
वही मतलब जैसे बता रहा हूँ ना आपको, वन रन में मतलब आपने कितना चलाया एक बार में? 250 करीब। तो उस टाइम पर गाड़ी की सिटिंग पोस्चर कंफर्ट वो कैसा था? सही है, मतलब कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आती। आई थिंक वो पॉलिथिन भी अभी चढ़ी हुई है तो मुझे हटानी है। मेरे एक दोस्त हैं बिलाऊ, आप जानते हो, हाँ वो मुझे कल भेज रहे थे बहुत सारे आर्टिकल्स की पन, जो पॉलिथिन होती है कैंसर हो जाता है या ये हो जाता है, मैंने भी देखे। हाँ तो मुझे हटानी है यार वो, तो मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती बैठे लंबे, बल्कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो सर एक बार इसके ना स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में बताएं, जिस टाइम पे आप स्टीयरिंग पे आपकी कैसी कमांड है, भाई ड्राइव करने में कैसा है? वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब आपको लगता है, मतलब मेरे को जब मैंने ये नहीं चलाई थी तो मुझे लगता था कि मामला जो है थोड़ा रिस्की, थोड़ा हैवी मामला है, बट आप इसको चला के देखोगे तो इतना लाइट स्टीयरिंग है इसका, इतना मज़ेदार स्टीयरिंग है, आपको लगता है बस आप कुछ एक उंगली से भी करोगे तो भी हो जाएगा। मतलब अभी हम चलते हैं इसमें ड्राइव पे और आप रिकॉर्ड भी कर लेना, बहुत ही स्मूथ है। आई थिंक आपने चलाई है कभी पहले? हाँ पहले मैंने अपने फ्रेंड की चलाई थी जिसका मैंने आपको बताया था ना 6-7 की एवरेज दे रही है। अच्छा हाँ तो एवरेज तो सही है, अगर आपको चाहिए पेट्रोल तो आप ले सकते हो, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। नहीं वैसे एक बात भी है कि आजकल जैसे जो आप इसकी एवरेज बता रहे हैं 9-10 की, इतनी है ना कई हैचबैक्स भी दे रही हैं किसी किसी कंपनी की। हाँ मतलब जैसे कि मतलब आप बताओ टाटा की दे रही है? टाटा की दे रही है, हाँ पंच दे रही है। मेरे एक फ्रेंड के पास है, उसका रिव्यू भी करा था मैंने, ओनरशिप रिव्यू करा था, तो उन्होंने उसमें भी बताया था कि मेरे को 9 की एवरेज मिलती है, मैक्सिमम 11-12 की मिल जाती है। अच्छा तो हाँ मतलब 9 की एवरेज दे रही है, 8.5 मेरे को शायद लगता है कभी देखा है, बट बहुत ही कम देखा, एक आधी बार कभी देखा होगा, ऐसा कभी देता है, 9 तो देती है। ठीक है सर एक बार रियर सीट कंफर्ट के बारे में बताएं। रियर सीट कंफर्ट भी मतलब बेसिकली वही मैं कह रहा हूँ ना आपको कि पूरा जैसे बलिनो का मैं आपको कंपेयर करके बता रहा था, तो बलिनो जैसा ही है अगर मैं कहूँ तो, पीछे का बैठने का तरीका आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बढ़िया है यार। मतलब पीछे लोग बैठ जाते हैं, 3 आगे 2 बैठ जाते हैं, अगर आपको पीछे 7-सीटर चाहिए तो 7-सीटर ले लो, बट मुझे सही लगा है, बढ़िया लगा। ठीक है ओवरऑल। और सर एक बार इसके इंजन के बारे में बताएं कुछ स्पेसिफिक, आपको अच्छा लगा इंजन को लेके कि नहीं यार पावर अच्छी है या वाइब्रेशन थोड़ी कम है? तो पावर अच्छी है अगेन कि मतलब जैसे मैं पहले आई थिंक यार मैं बोल दूंगा लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट आप जब चलाते हो इसे तो आपको समझ में आएगा कि फील कर पाते हैं। हाँ फील कर पाते हैं बेसिकली, होता क्या है कि आप कहीं से जा रहे हो और अभी आपका बलिनो वाला एक्सपीरियंस है तो आप सोचते हो कि यार नहीं नहीं चला नहीं उड़ानी चाहिए मुझे यहाँ से, तो तब वो प्रॉब्लम आती है कि भैया ये चली जाती है। नहीं, और फिर इसमें 800 cc का भी तो फर्क आ जाता है। हाँ, नहीं बट अपनी तो क्या मारुति की एक गाड़ी और फिट हो जाती है उसके बीच में, मिडिल क्लास वाला जो अपना वो है ना मेंटालिटी तो उतर रहता ही है। खैर मैं आपको भी स्कॉर्पियो के बारे में बता रहा था, स्कॉर्पियो का ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक इससे ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, हाँ इससे ज्यादा है, और जब आप ये लगा लेते हो क्या बोलते हैं ये फुट पेडेस्ट्रियन तो ये थोड़ा और भी कम हो जाता है फुट रेस्ट, मतलब जो भी बोलते हैं इसको ये जिससे आप चढ़ के जाते हो गाड़ी में, तो ये लगाने के बाद थोड़ा और कम हो जाता है, इतना मोटा तो हो गया नहीं तो 2 इंच का, तो ये और कम हो जाता है। तो कई जगहों पे जहाँ पे मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो नहीं लगती ये नीचे से लग जाती है। अच्छा थोड़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम है थोड़ी सी? हाँ थोड़ी सी, बट इसमें ओवर व्हील ड्राइव भी तो दिया था ना इसके में भी टॉप एंड वेरिएंट। ओवर व्हील ड्राइव क्या होता है? जिसके अंदर आपके चारों टायर पावर लेते हैं, जैसे कि अभी आपकी ये क्या कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहता है कि आपके फ्रंट व्हील जो है वो आपके इंजन रन कर रहा है, बाकी 2 व्हील आपके इनके साथ में रन कर रहे हैं, इस तरीके से रहता है। जैसे आपने थार के अंदर देखो 4x4 बोलते हैं, तो 4x4 यही है कि उसके चारों टायरों में पावर है। ठीक ठीक ठीक, इस तरीके से। तो इसके भी मे बी टॉप एंड वेरियंट के अंदर ऑल व्हील ड्राइव आता है, इसका शायद पता नहीं मुझे आइडिया नहीं। आपने इसको काफी किलोमीटर चला लिया तो उस टाइम पे आपने कोई इसकी सर्विसेज वगैरह भी करवाई होंगी? हाँ मतलब एक सर्विस हो चुकी है इसकी, आई थिंक 2 हो चुकी है इसकी, 2 हो चुकी है। हाँ तो सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि महिंद्रा का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे ना मैं सही बता रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं नहीं देखता ये, तो बड़े भाई देखते हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत घर से आके ले जाते हैं, मुझे बस इतना पता है घर से आके ले जाते हैं, घर पे दे जाते हैं, घर पे दे जाते हैं, तो ये तो आई थिंक सब में ही है, ऐसा कुछ खास नहीं कर। हाँ ये तो चीज सब में ही। तो अब आप देख रहे हो कि जैसे ये मतलब कितना लाइट है स्टीयरिंग, जो आप शुरू में बता रहे थे स्टीयरिंग आप कह रहे थे कि किस तरीके से कंट्रोल है, तो बहुत ही लाइट है, आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। मतलब मुझे लग रहा था, मुझे बाहर से लगता था, मैं बहुत शायद इग्नोरेंट हूँ, तो मुझे बाहर से लगता था कि बहुत हैवी होता होगा चलाना इसे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं वो हाइड्रोलिक सिस्टम जो आते हैं ना स्टीयरिंग के अंदर उससे उसमें लगता है आपको, जैसे कि आपने देखा होगा थार के अंदर था शुरू में, इलेक्ट्रिक नहीं थे स्टीयरिंग ना। क्या बात कर रहे हो,
ट्रैक्टर की तरह चलाते थे उसको। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नहीं हाइड्रोलिक फिर भी बेटर हो जाता है। एक और आता है जो बिल्कुल हाइड्रोलिक भी नहीं होता सिस्टम, जो आपने देखा होगा शुरू में आप देखते थे पावर स्टेरिंग और विदाउट पावर स्टेरिंग गाड़ियां आती थी जब हम छोटे थे उस टाइम पर, जो कार आती थी उनमें इस तरीके के वेरिएंट्स भी आते थे, तो वो चीज़ थी। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एक तो इसके एवरेज आपने बताई काफ़ी बेटर है, दूसरा आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर ए सी नहीं मिलता है, तो वो मे बी आपको मिलना चाहिए था इस वेरियंट के अंदर जाके। यार अब मैं तो फिर क्या ही बताऊँ कि क्या मिलना चाहिए था, वो जो दे रहे हैं हमें फिर ले लेना चाहिए, मतलब ले लेते हैं। खैर बट हाँ, इसमें ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी नहीं आता। क्रूज कंट्रोल नहीं आता, ये 7 में आता है, इसमें नहीं आता। आई थिंक अब जो 2024 का मॉडल आ रहा है उसमें आता है, AX5 के अंदर अब नहीं, इसमें नहीं है क्रूज कंट्रोल। तो वो एक बड़ा डील ब्रेकर तो नहीं था हमारे लिए, मतलब ठीक है नहीं है क्रूज कंट्रोल तो इट्स ओके, तो दैट्स व्हाई कि वी वेंट विद दिस वन। ओके, और सर ऑटोमेटिक लेने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? ऑटोमेटिक लेने के पीछे यार बहुत सही रीजन यही था कि आप थोड़ा चिल रह के चला सको। ठीक है, आप जितनी भी बातें कर लो कि भैया वो मजा आता है ये मजा आता है, आपको रिलैक्स होके बैठना है। ठीक है, ठीक है, तो रिलैक्स होके आप इसमें आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको जो जैसे कई गाड़ियों में अगर आप ऑटोमेटिक लो ना तो फील होता है कि वो गियर नीचे ऊपर जा रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा फील नहीं होता, बहुत ही स्मूथ है वो वाला ट्रांजिशन, तो उस हिसाब से बेहतर है। और सर एक चीज़ और, जब ऑटोमेटिक की बात होती है तो जिस टाइम पर आप गाड़ी से किसी आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो उस टाइम पर क्या कहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लैक ऑफ पावर है इसके अंदर या फिर कोई और चीज़? नहीं यार ऐसा कुछ लैक ऑफ पावर तो नहीं लगता, क्योंकि आप देखेंगे जब भी हम कभी मैनुअल गाड़ी के अंदर ओवरटेक करते हैं ना तो जस्ट हम अपने गियर को शिफ्ट करते हैं, डाउन करते हैं और फिर उसके बाद ओवरटेक कर लेते हैं, वो दिक्कत नहीं आती। नहीं आती हाँ, मतलब वो है ही नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक है पावरफुल है, आपको जितना रेस दोगे उतना बढ़ जाएगी, ऐसी अच्छा पिकअप है इसका, तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती उस मामले में। मतलब मुझे नहीं पता, आपको शायद ज्यादा पता होगा आपने, मतलब मेरे को ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती। नहीं, कई गाड़ियों में ना लैक ऑफ पावर फील होता है कि मतलब आपको टाइम लगता है एकदम स्पीड अप होने में। नहीं, इसमें देखो ना ऐसा नहीं हो रहा। यही चीज जो मैं पूछ रहा था, यही ना कि इसमें मैंने एकदम से दिया आपके सामने। और सर हाँ, इसी के साथ साथ सस्पेंशन सिस्टम की मैं बात करूँ तो वो किस तरीके से लगते हैं आपको? मतलब ब्रेक कह रहे हो? नहीं, सस्पेंशन इन द सेंस शॉकर सिस्टम ना। शॉकर सिस्टम सही है, देखो अगर आप वही है कि थोड़ा वॉबल हो जाता है अगर गड्ढे वड्ढे हैं तो, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं तो, बट अगर आप वैसे देखो और मतलब बड़े कोई गड्ढे आए तो आराम से निकल जाती है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। और जैसे अभी पावर कम एक बार तो हम दोबारा देख लेते हैं, जैसे अभी भी सड़क खाली है, जैसे मैं यहाँ से देना शुरू करूंगा तो हो जाती है नॉर्मली तेज। हाँ, नहीं फील भी हुआ। हाँ तो हो जाती है इसी कोई खास। ठीक है, और सर इसी के साथ कैबिन नॉइस? कैबिन नॉइस कोई खास नहीं है, देख आप तो कोई देख सकते हो कुछ। हाँ नहीं, वो मैंने फील करा बट एक कस्टमर का रिव्यू होता है। सही बात। हाँ तो मतलब कोई खास कैबिन नॉइस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि हमने ना यार स्लाविया बहुत अच्छी गाड़ी है, आप सबको पता। हाँ स्लाविया है अच्छी गाड़ी है बिल्कुल। हम ना उसमें 1 लीटर वाला देख रहे थे, मैंने एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आया था, उसके अंदर बहुत कैबिन नॉइस आता है यार। आई थिंक मे बी 1.5 में नहीं आता होगा बट 1 लीटर वाले इंजन में तो बहुत कैबिन नहीं उसका। हमने ना ओनरशिप रिव्यू करा था, 1.5 लीटर था मे बी, तो उसके अंदर हमने फील नहीं करा था इस तरह का कैबिन नॉइज वगैरह ना। मैंने उसमें 1 वाले में तो आपको चलाने में बहुत बढ़िया लगती है, है ही वो स्कोडा का तो मतलब हिसाब के तब बढ़िया ही, लेकिन उसका 1 लीटर वाले इंजन में कैबिन नॉइज का मुझे लगता है इशू है। ठीक है, तो सर एक बार इसका ना बूट स्पेस के बारे में और बताएं कुछ स्पेसिफिक, अगर बूट स्पेस के बारे में लगे उसमें भी पता डायमेंशन में कितना है, बट वैसे बहुत सारा सामान आ जाता है अगर अभी भी देखो तो, आप वो बच्चों की जो सीट होती है वो रखी है बहुत बड़ी, तो कोई खास दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा बूट स्पेस है इस ऑल्सो इसलिए यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये 5 सीटर है। ठीक है, आई थिंक वो 7 सीटर होती तो पता नहीं मुझे क्या रहता, लेकिन 5 सीटर में तो बहुत स्पेस है, पूरी 3 वो जो लोग बैठते हैं 2 सीट पे उसका जो है स्पेस हट गया तो काफी स्पेस बूट स्पेस अच्छा रह जाता है। आई थिंक अगर सेल्टॉस की अगर बात करो या क्रेटा की अगर बात करो तो इसमें फिर वही है कि आपको एक तो 5-स्टार रेटिंग मिल रही है और एक तो बूट स्पेस ज्यादा मिल रहा है क्योंकि गाड़ी का साइज बड़ा है ऑब्वियसली, तो ये 2-3 चीजें हैं जो बढ़िया है और गाड़ी स्मूथ बहुत है। मुझे लगता है शायद वो भी होती होंगी सेल्टॉस की और क्रेटा की, मैंने ली है टेस्ट ड्राइव बट इतनी स्मूथ नहीं लगी। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी तक कुछ इस तरह की आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिली है? कि मैंने कहीं सुना है कि जैसे स्क्रीन ब्लैकआउट होना, तो यार इसमें होती है प्रॉब्लम ब्लैकआउट ही, बट बहुत कम होती है लेकिन होती है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। और यार मुझे नहीं पता महिंद्रा फिर वो कैसे ठीक करता है क्या कर रहा है, लेकिन वो हो जाती है, मतलब ऐसा ही कि आप ब्लैकआउट हुई
और वो 2 मिनट में वापस हो गई। कितनी फ्रीक्वेंटली होती है? आप कह लो कि महीने में एक दो बार हो जाता है। ठीक है, तो महीने में एक दो बार हो जाता है। मतलब उस टाइम पर आपके ओडोमीटर वगैरह भी बंद हो जाते हैं? नहीं, ओडोमीटर बंद नहीं होता, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाँ ये बंद हो जाता है, ब्लैकआउट होता है, 2-3 मिनट में वापस आ जाता है, तो ये चीज़ रहती है। एलेक्सा मुझे इसमें जो सिम, इसमें सिम डलती है बेसिकली, तो सिम से ही चल रहा है वो एलेक्सा, तो वो सिम वोडाफोन आइडिया की है इसमें, तो नेटवर्क कभी कभी नेटवर्क इशू रहते हैं उसके। हाँ, तो अगर आप सिम लो तो इसमें तो इसके साथ साथ आई थी, तो वो शोरूम वाले वोडाफोन आइडिया ही दे रहे हैं, तो अगर आप शुरू में अगर आपके पास चॉइस है तो आप एयरटेल या जियो ले लो। ठीक है सर, कोई ऐसा फीचर जो आपको गाड़ी को लेने के बाद में पता चलोगे यार ये भी इसके अंदर आता है? हाँ, ये 2-4 चीज़ें हैं, मतलब जैसे अगर आप इसको, मुझे नहीं पता, जैसे इसको अगर आप टर्न कर रहे हो, अगर आपने हेडलाइट ऑन है तो टर्न कर रहे हो तो हेडलाइट थोड़ी तेज़ हो जाएगी। ओके, ठीक है। और इसका म्यूजिक सिस्टम भी जो है इससे एक्सेलेरेटर से लिंक्ड है, जैसे अगर आपने गाड़ी तेज़ चला रहे हो और आपने गाड़ी का स्पीड कम किया ना, तो म्यूज़िक का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और म्यूज़िक का वॉल्यूम भी तेज़ हो जाएगा, तो एक्सेलेरेटर से सिंक्ड है म्यूज़िक। अब उसका क्या है लॉजिक मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इसलिए कि अगर आप रुक रहे हो तो शायद किसी काम के लिए रुक रहे हो तो म्यूज़िक कम हो जाए, तो इस तरीके से है आई थिंक। आपको इसको प्रो और कॉन्स क्या लगे? तो देखो, प्रो ये है कि बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, बड़ी गाड़ी है तो आपको बहुत ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता, पानी की दिक्कत, जैसे अभी गुड़गांव में तो पानी भरता रहता है। हाँ, ये भी एक मेन क्वेश्चन है। तो गुड़गांव में पानी भरता रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं आती, मैं आराम से ले जाता हूँ इसको। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी, जैसे अगर मैं बलिनो ले जाता तो बस बढ़ जाती है काफ़ी सारी। अगर सेक्टर 4 की तरफ जाते हैं ना तो वहाँ तो पानी का अलग ही लेवल है। 14 में भी मैं सेक्टर 14 जा रहा था अभी 2 हफ्ते पहले, तो बहुत सारी गाड़ियाँ स्विफ्ट बंद पड़ी थी, बलिनो बंद पड़ी, तो बट मैं थोड़ा ऐसे चिल होके खुशी से जा पा रहा था कि भैया मुझे दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, तो मैं आराम से जा पा रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी थी। एक तो वो प्रो हो गया कि स्मूथ है, एक दूसरा ये ऊंची गाड़ी है तो बढ़िया है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है और एवरेज भी सही है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती, 9-10 की एवरेज दे देती है। ठीक है, तो ये प्रोज होंगे। कौन सी होंगे? जैसे आपने वो बताया ब्लैकआउट हो जाता है सिस्टम, ठीक है, और अगेन एवरेज का एक बड़ी गाड़ी में आप एवरेज ठीक है, बट ऑन एंड वैसे देखा जाए तो बलिनो से तो कमी है। ठीक है, तो वो दुख है मुझे। उसके अलावा क्या कहूँ मैं, और क्या कॉन्स है? कॉन्स एक तो वही कि इसका नेटवर्क कभी कभी काम नहीं करता, वोडाफोन आइडिया वाला, तो कभी कभी एलेक्सा बात नहीं करती। ठीक है, ऐसे भी दिखाया फटाक से स्क्रीन, स्काई रूफ जो है वो ओपन ऑफ हो गया, वो हमेशा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी वो दिक्कत देता है। और क्या दिक्कत है? और इसके देखो, ये जो ये शीशे हैं, जो बाहर वाले शीशे हैं, तो वो उससे नहीं खुलते, क्या बोलते हैं, बटन से नहीं खुलते। आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, मैनुअली ऑपरेट करने पड़ते हैं, बट उसके बाद जो उसका जो शीशा घूमने वाला सीन होता है वो बटन से हो जाता है। ठीक है, अंदर शीशा अगर आपको इसको चेंज करना है तो मैं इसको अगर चेंज कर सकता हूँ, इस बटन से कर सकता हूँ, वो है, लेकिन वो बटन से बंद, वो क्लोज फ्लैप जो बंद हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, वो नहीं होते। अच्छा सर, जैसे आप इसे अभी ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पर है ना, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसके कोई ब्लाइंड स्पॉट हैं? इसके ब्लाइंड स्पॉट तो यार है, बिल्कुल है, बट कम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड में, तो मुझे लगता है कि हमें उस तरीके, उस तरफ का नहीं दिख रहा, बट एक बहुत वाइड व्यू मिल जाता है। ठीक है, उधर भी देखोगे तो आपको वाइड व्यू दिखा सकते हो तो कैमरा में, तो बहुत कम है, लेकिन है। आई थिंक ब्लाइंड व्यू तो सब में ही होता ही है, ऐसा होता है कि ब्लाइंड स्पॉट ना हो? हाँ, नहीं, मैं भी कह सकते हैं जिसके अंदर ए पिलर थोड़े ठीक नहीं होते, उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। हाँ, ऐसी प्रॉब्लम कम ही है इसमें भी। इसके अंदर मैंने जो देखा है ना, ग्लास डोर एरिया काफी ज्यादा है, तो उससे क्या है कि मे बी हीट गाड़ी के अंदर ज्यादा आती होगी। हाँ, हीट आई थिंक रिलेटिवली ज्यादा ही आती होगी, तो फिर उसके लिए फिर वो जो लग जाते हैं फ्लैप्स, आई थिंक वो लगा के हो सकता है, बट मैं नहीं लगाता, अभी तक तो नहीं लगाया कुछ, लेकिन हाँ आई थिंक कंपैरेटिवली उस वजह से फर्क पड़ता है, हीट ज्यादा आती होगी अंदर। ठीक है, बट नॉर्मली कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है सर, आपने आपको इस गाड़ी को खरीदे हुए काफी टाइम हो गया है, बट मैं अभी आपसे कहूँ कि आपको एक गाड़ी और परचेस करनी है, तो मे बी आपकी 700 दोबारा से हो सकती है। हाँ, हो सकती है, बट फिर वो जैसे अब आपको होता है ना कि आपने कुछ एक चीज अचीव कर ली, तो फिर वो लगता है कि ठीक है, वो दिस इज ओके। इफ नाउ इफ यू हैव टू परचेज अ सिमिलर कार इन द सेम बजट, वी वुड गो फॉर इट, बट फॉर अ हायर वेरिएंट, मतलब AX7L के लिए जाएंगे रादर देन AX7 या फिर AX5 या AX3, वी वुड परचेज अगेन, बट ये 2-3 चीजें अगर दिक्कत बढ़िया हो जाती है तो और भी बढ़िया। और अगर इसको रेट करना पड़े 10 में से, आई वुड रेट,
मतलब देखो नंबर जो हम काटेंगे इन्हीं चीजों के काटेंगे कि कभी कभी ये इंफोटेनमेंट बंद हो गया और वो जो शीशे का वो नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि 8 out of 10 दे सकते हैं. आई थिंक मुझे सबसे जो बढ़िया चीज लगती है ना इसमें वो है कि सेफ्टी. मुझे लगता है 8 के 8 नंबर आप सेफ्टी को दे सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी इज अ वेरी बिग कंसर्न. मुझे लगता है लोगों को कंसिडर करना चाहिए. और हाँ सर, इसके अंदर कुछ मोड्स आते हैं. मोड्स मतलब मोड्स लाइक स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, जो आजकल देखे होंगे आपने कई गाड़ियों के अंदर आते हैं. हाँ मतलब इसमें अगर आप देखो जैसे मैनुअल अगर आपको चलानी है, मुझे बस यही पता है कि ये ऑटोमेटिक आप चला सकते हो, इसको मैनुअल में कन्वर्ट कर सकते हो. ये यहाँ पे करके इसको आप लेफ्ट या राइट घुमाएंगे तो वो मैनुअल पे आ जाएगा. मैंने आज तक चलाई नहीं है, बट हाँ मतलब वो कर सकते हो. बट दीज आर द टू मोड्स दैट आई नो ऑफ. बाकी ये है कि इसमें पार्किंग, एक बार क्या हुआ शुरुआत में हम बैठे थे तो भैया से चाबी नहीं निकल रही थी. चाबी निकल ही नहीं रही है, वो निकल ही नहीं रही है. तो ये बस लेके यार मैं इसलिए मतलब इंडियन गाड़ी नहीं लेना चाहता था. अच्छा तो फिर मैं बैठा, मैंने कहा अरे भाई वो पार्किंग पे करके निकलती है चाबी, तो इस पे अगर आप चाबी निकालना चाह रहे हो गाड़ी से तो पार्किंग पे जब तक नहीं डालोगे तब तक वो चाबी निकलेगी. तो सर जैसे कि इसके ओडोमीटर वगैरह सब डिजिटल है आज की डेट में, तो आपको लगता है कि ये चीज बेटर है या फिर एनालॉग बेटर था? यार दिखने में तो यही बेहतर है, ठीक है, बट यही है ना कि आपको कभी भी साथ छोड़ दे पर भरोसा नहीं. हाँ, मे बी इस तरीके से. वो माइक्रोसॉफ्ट का सीन हुआ जिसमें फ्लाइटें रुक गई बहुत सारी दुनिया भर की. हाँ. तो उसके बाद तो आप क्या ही कह सकते हो कि क्या नहीं रुक सकता, कि मतलब मैनुअल बेटर है. नहीं मतलब लेना तो फिर यही चाहिए, क्योंकि आप अब शौक थोड़ा देखते हो कि यार बढ़िया चीज है, अभी हमने वो देख लिया है ये ले लो. हाँ तो मुझे लगता है कि आपको यही लेना चाहिए क्योंकि बहुत सुंदर दिखता है. मैनुअल में पता नहीं आता है, ये एक स्त्री में भी नहीं आता मैनुअल में, तो आई थिंक MX वाले वेरिएंट्स होते होंगे उनमें. मे भी आता है, एनालॉग आता है उनके अंदर ना. अच्छा. महिंद्रा का ये सही रहता है यार कि आपकी जो एंट्री वेरिएंट्स हैं जो MX वाले वेरिएंट्स हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, तो आप अच्छे रेट पे आपको गाड़ी मिल जाएगी. मतलब आपको सिर्फ गाड़ी और इंजन चाहिए तो आप उसके लिए जा सकते हैं. हां वो MX वेरिएंट्स के फीचर नहीं चाहिए तो आपको, है ना? तो वो तो है, और सेफ्टी भी है. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजन. सर कोई ऐसा फीचर जो आप अपनी तरफ से हाईलाइट करना चाहते हैं? आई थिंक सब कुछ बोल दिया यार. मतलब सनरूफ वाला फीचर है जो हाईलाइट करना चाहते हैं. हाँ. सब कुछ ही बोल दिया, तो आई थिंक यही है मोटा मोटा. यार इसका एक और कौन है कि इसका अगर जो बैक इसका ना कैमरा, जो एक तो 360 डिग्री कैमरा नहीं है वो होना चाहिए था, और एक रेयर कैमरा भी नहीं है. ठीक है, तो वो एक काफ़ी ख़राब बात है. तो रेयर कैमरा हमने शोरूम से ही डीलरशिप से लगवाया, तो वो है, बट होना चाहिए था. मतलब आपने रियर कैमरा जो शोरूम वाले लगाते हैं वो इंस्टॉल करवाया है? हाँ, ताकि वारंटी या वॉइड वगैरह ना हो. हाँ. अच्छा हाँ, इसमें कोई ऐसा काम है जो कि आपने आफ्टर मार्केट कराया हो? नहीं, आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं करा सिवाय मैट लगवाया. हाँ. आफ्टर मार्केट करोल बाग जाके, और करोल बाग में मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही होता होगा यार, सस्ते नहीं मिलते होंगे, बट ठीक है अच्छे मिल जाते, सस्ते मिल जाते और वैरायटीज ज्यादा मिल जाती है. वैरायटी तो चलो अपने गुड़गांव से बेटर मिलती है. अच्छा, ये मैंने गुड़गांव में देखा ही नहीं, तो मैंने वहाँ पे देखा कि काफ़ी सस्ता मिला था. मुझे लगता है कि यहाँ पे ये मैट मुझे 5,000 के मिलते हैं, वहाँ पे मुझे 3,000 के मिल गए शायद. ठीक है. हाँ, 3,500-3,000 के मिल गए. तो हाँ वो इट्स अ गुड थिंग. मतलब इट्स जस्ट वन थिंग कि मतलब एक मैट है, बाकी आप पीछे वाला रेयर गार्ड भी लगवाओगे और वो फुट स्टेप वाले भी लगवाओगे दोनों तरफ, तो वो आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस सस्ता पड़ जाता है अगर आप गुड़गांव से दिल्ली ट्रैवल भी कर रहे हो तो. एट दी एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगा सर का, जिन्होंने अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा और बताया कि ये एक कस्टमर को क्यों लेनी चाहिए या फिर आपको ये पेट्रोल में ही क्यों लेनी चाहिए. ये सारी चीज़ें एक ओनरशिप रिव्यू इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको एक मोटा मोटी पता चल जाता है कि आपको कौन सी गाड़ी आपके हिसाब से फिट बैठेगी. दूसरा इसके अलावा दूसरा आप ये भी पता कर पाते हैं कि एक कस्टमर को कैसा फील होता है अपनी गाड़ी लेने के बाद में. तो यही था, और बाकी जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो हमारे मोटर पंडित इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर दें.